बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से खबर है, बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मार लूट के प्रयास का ये मामला। आज सुबह झोटवाड़ा इलाके में वारदात हुई थी। पुलिस ने बदमाश मनोज और भारत को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों से 2 पिस्तौल और 1 डमी पिस्तौल बरामद की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने इस पर कहा कि दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। संभवतः बैंक लूट की 2 पुरानी वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जब सुबह ये जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई सामने आई, एक बदमाश जिसे भीड़ ने वहीं पर पकड़ लिया, दूसरा लुटेरा जो भागने की कोशिश में था जख्मी था, भीड़ के बीच में से निकल के भागा और उसके बाद में कुछ ही देर बाद उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब जब प्राथमिक पूछताछ उनसे की है तो वो जानकारी, सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ के, सत्यनारायण इस मामले में अपडेट क्या मिल रही है क्योंकि 2 पुरानी वारदातों का भी खुलासा होने की जानकारी है। बिल्कुल जबकि 2 जयपुर शहर की बड़ी वारदातें हैं, बैंक लूट इसी प्रकार से सुबह 9:45 बजे बैंक के अंदर घुसते हैं, बैंक को लूटने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। तो दोनों ही बैंक लूट की वारदात इस वारदात के बाद हो सकती है। हालांकि इस घटना के बाद में एक बदमाश का पांव टूट चुका है, दूसरे बदमाश के पांव में गोली लगी है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से घटना हुई। घटना के बाद में पुलिस ने दक्षता दिखाई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा रोल इसके अंदर जैसी वो एक मैन का नाम की कॉन्स्टेबल है उसका है जो कि चेतक गाड़ी मौजूद थी और जिसने पहले ही लपक कर एक बदमाश को काबू करने का प्रयास किया। ऐसे में उसका नाम करंटे के लिए भेजा जा रहा है और फिलहाल अब पुलिस के अधिकारी पूछताछ जुट गए हैं जिससे कि जयपुर शहर की अन्य कोई वारदातें हुई होगी तो उनका भी खुलासा हो सके। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि सुबह जिस तरह से वारदात हुई उसके बाद सनसनी फैल गई थी। सत्यनारायण, इसमें अब जो दोनों लोग हैं इनके अलावा भी किसी गिरोह के जुड़े होने की जानकारी, क्योंकि क्या इन दोनों ने ही जो पुरानी वारदातें थी उसमें जानकारी आपसे ली थी सुबह में? शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।